शैवाय विषम शिव इत्ये वचन यम वैष्णवा विष्णु इति स्तुवन्ति, ये ऐसी श्लोक है पूरा। तो यहाँ इसलिए शिव की, तो श्री रामचरित मानस इसलिए भी उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पूरे समय शिव को गुरु मान करके विष्णु की उपासना पद्धति के चरम तक पहुंचने का माध्यम बताया गया है। यहाँ शिव जहाँ पर वैराग्य निधि है वहीं विष्णु मर्यादा के शीर्ष है। अब देखिए दोनों के बीच में कितना विरोधाभास दिखाई देता है कि एक सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है और एक वस्त्रहीन, एक को वस्त्रों की जरूरत नहीं है, परंतु एक समाज में रह रह करके नए नए मापदंड स्थापित करते हैं, जितने अवतार हैं उसमें उन्होंने मर्यादा के नए मापदंड स्थापित किए, और वही शिव उन्हीं मर्यादाओं का कई बार अनेक बार उपहास करते दिखाई देते हैं। अगर वो दूर से देखेंगे, अगर उनके शिव विवाह देखें और वहीं श्री राम विवाह देखें, दोनों के बीच में परिस्थितियों का बड़ा अंतर है, दूल्हे के वेशभूषा में भी अंतर है। आखिर इतना विरोधाभास क्यों है? एक जहां मर्यादा के मापदंड स्थापित कर रहा है वही दूसरा मर्यादाओं का उपहास। लेकिन अगर इस पर एक तात्विक दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि मर्यादाएं विषय काल और देश की परिस्थितियों के अनुसार निर्मित की जाती है। एक समाज में अच्छा जीवन पाने के लिए मर्यादाओं का और मर्यादाओं के नियमों से बंधा होना बहुत अवश्य है। लेकिन जब जब कालखंड जब बदल जाता है, देश काल की परिस्थितियां बदल जाती हैं, यदि व्यक्ति उन्हीं मर्यादाओं से चिपका है तो अनेक बार क्या होता है कि वही मर्यादाएं रूढ़ियां बन जाती हैं और वही रूढ़ियां अंधविश्वास बन जाती हैं, और उस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता और वैराग्य का होना जीवन में आवश्यक है। उस वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान शिव, इसलिए उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में सामाजिक मर्यादाओं का उपहास दिखाई देता है। स्वतंत्रता इतनी कि व्यक्ति स्वेच्छा से विचरने वाला ना हो जाए, और मर्यादा इतनी कि स्वतंत्रता मर्यादा इतनी सॉरी स्वतंत्रता है मर्यादाओं के बंधन में व्यक्ति का जन्म न करे। इन दोनों के बीच का संतुलन ही शिव और विष्णु का संतुलन है और उनका स्वरूप है। इसलिए दोनों एक दूसरे से कितने ही विपरीत लगते हों, लेकिन दोनों हैं